ये स्टूडेंट्स असलामैकम वी आर कंटिन्यूइंग विर सेक्शन ऑन रिसीविंग पेमेंट्स अगेंस्ट इन वॉइसिस इन दिस सेक्शन वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी वॉट शुड बी डन इफ वी रिसीव एन अमाउंट लेस देन आर इन वॉयस होता ये है कि बहुत सारी दफ़ा किसी भी वजह से हमारा क्लाइंट या कस्टमर हमें पार्शल पेमेंट करता है पेमेंट तो उसने की है और वो पेमेंट हमने फॉरेन रिकॉर्ड भी करनी है और किसी इनवॉइस के को इसके साथ लिंक भी करना है और उसको पार्शली नेट ऑफ भी करना है ये सारी चीज़ें करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा रिकॉर्ड सारा स्ट्रेट रहे हमारे अपने लिए भी ऑडिट के लिए भी और हमारे कस्टमर के लिए भी कि जब भी वो चाहे वो देख सके कि उसने कितनी पेमेंट्स की थी उसकी कितनी इन्वासेस थी और उसका नेट ऑफ इफ़ेक्ट क्या आ रहा है ये सारा रिकॉर्ड मैन्युअली रखना बहुत मुश्किल है इसलिए हम हमेशा किसी न किसी सिस्टम का सहारा लेते हैं और इसीलिए हमारा क्विक बुक्स ये तमाम चीज़ें सोच के बनाया गया है कि हमने अंडर पेमेंट ओवर पेमेंट किस तरह से हैंडल करनी है और ये तमाम एज़ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल सही हैं आज के हम इस सेशन में ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर कोई हमें पेमेंट करे जो कि हमारी इनवॉइस की पूरी वैल्यू कवर ना कर रही हो तब भी हम उसको कैसे हैंडल करेंगे और उसको आइंदा आने वाले जो भी हमारे पेमेंट्स होगी उसके साथ कैसे नेट ऑफ करेंगे रिकॉर्ड कीपिंग इज़ कंपल्सरी वेदर द पेमेंट इज कंप्लीट और पार्शल लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स और देखते हैं कि कैसे होता है आइए पहले हम एक इन्वाइस क्रिएट करते हैं और उसके अगेंस्ट हम पेमेंट कलेक्ट करते हैं हमारा जो कस्टमर है वो क्रिस बेकर ही है इसको हम अपनी सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं जो है इंस्टॉलेशन सर्विसेज। और इसके अगेंस्ट हमने इससे पैसे लेने हैं इसकी प्राइस हमारे पास आ गई है और ये हमारा एक इनवॉइस बन गई है अगेंस्ट दिस इनवॉइस क्रिस बेकर हमें पेमेंट करेगा और हमने क्रिस बेकर का अकाउंट खोला है क्रिस बेकर की जितनी भी पेंडिंग इन्वासेस हैं वो हमें अब नज़र आ रही हैं कि उसके पास इतनी सारी इन्वासेस अभी अनपेड मौजूद हैं उसने हमें हमारी इनवॉइस वन वन थ्री थ्री के अगेंस्ट कोई पेमेंट भेजी है लेकिन वो पेमेंट पूरी नहीं है उसने हमें एक राउंड फिगर तीन हज़ार डॉलर की भेजी है और उसने कहा है कि अभी मेरे पास इतने ही पैसे और मैं आपको इतने ही पैसे भेजूंगा हमें पता है कि उसने ये पेमेंट जो उसका काम हमने अभी कंप्लीट किया है उसके अगेंस्ट भेजी है बाकी काम अभी जारी हैं उनकी प्रोग्रेस इन्वाइस बन रही है हमें पता है कि जो हमने कंप्लीट किया था वो जॉब ये है लेकिन कंप्लीट हमें पेमेंट उसकी आई नहीं है तो जिस इन्वायस को हमने इस पेमेंट से कवर करना है बैलेंस आउट करना है उसको हमने टिक करना है वंस अगेन इसके लिए आपको अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट की भी हेल्प चाहिए होगी और अगर आपको पूरी अकाउंट्स अपनी समझ में आ रही है कि आपके डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है तो यू शुड नो कि ये उसने किस इन्वाइस के अगेंस्ट पेमेंट भेजी है हो सकता है कि उसने अपने चेक के ऊपर ही उस इन्वायस का नंबर लिख दिया और अगर उसने लिख दिया है तो हमने चूज़ कर लिया है कि ये वो इन्वाइस है जिसके अगेंस्ट उसने हमें पेमेंट भेज दी है अब जैसे ही हमने इसे चूज़ किया तो आप को देख सकते हैं कि हमारी टोटल इन्वास थी 3,500 की उसके अगेंस्ट जो उसकी पेमेंट रिसीव हुई है वो है तीन हजार तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज फाइव हंड्रेड और वो अंडर पेमेंट के जो बॉक्स है उसके अंदर नजर आ रहा है जो चीज़ हमें अंडर पेमेंट में देखनी है वो ये है कि वो हमें दो चीज़ें कह रहा है एक चीज तो वो ये कह रहा है कि लीव दिस एज एन अंडर पेमेंट इन दिस केस फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू लीव दिस एज एन अंडर पेमेंट और हम देखेंगे कि इसका अफेक्ट हमारे इस पूरी स्क्रीन पे क्या होगा अंडर पेमेंट है हमारी विथ अमाउंट ऑफ 500 व्हाट वॉट हीस पेड इज 3000 थाउजेंड वॉट द एक्चुअल इन वॉइस वॉज हम अब इस वक्त इस एग्जाम्पल के लिए इसको सेव एंड क्लोज करके देखते हैं कि इसका अफेक्ट आया क्या है हमारे अकाउंट्स में अब हम देखना चाहेंगे क्योंकि हम श्योर हैं कि हमें क्रिस बेकर बाकी 500 डॉलर भी भेज देगा और जैसे ही उसके पास से मजीद हमारे पास पेमेंट आई 500 डॉलर की तो हम वापस जाएंगे रिसीव पेमेंट के हेड में रिसीव पेमेंट के हेड में आपने सबसे पहले चूज करना है अपना कस्टमर जो कि क्रिस बेकर और उसकी अमाउंट जो कि उसने पाँच डॉलर हमें भेज दिए है जो उसके पहले बैलेंस रह गया था अगेंस्ट इन वॉयस वन वन थ्री थ्री आप ज़रा देखें कि पिछला जो हमने तीन हज़ार उससे कलेक्ट किया है उसका इफेक्ट यहाँ आ रहा है कि नहीं हमारे पास वन वन थ्री थ्री के अगेंस्ट जो टोटल बैलेंस ड्यू था ओरिजिनल अमाउंट जिसे हम कहते हैं वो थी थ्री थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड ये ओरिजिनल अमाउंट है ये उसका बैलेंस है ये हमारा इन का नंबर है और जो अमाउंट ड्यू यानी कि जो उसने अभी तक पेमेंट करती है वो माइनस करके जो अमाउंट रह गई है दैट इज़ फाइव हंड्रेड हमेशा हमें जो पेमेंट अब करनी होगी वो अगेंस्ट दिस अमाउंट ड्यू करनी है हमने ओरिजिनल पेमेंट के अगेंस्ट पेमेंट कलेक्ट नहीं करनी क्योंकि उसमें से पार्शियली हम पेमेंट्स कलेक्ट कर चुके हैं स्पेशली इन दिस केस वी हैव ऑलरेडी कलेक्टेड थ्री थाउजेंड डॉलर्स जब हमें ये पेमेंट नहीं आई है तो हमने क्या करना है हमने इसको राइट ऑफ करना है इस आखिरी हमारी जो इन्वाइस है इसको तो बेसिकली वॉट वी आर डूइंग इज वी आर कंप्लीटिंग द पेमेंट द अंडर पेमेंट विच वॉज फाइव हंड्रेड डॉलर इन द प्रीवियस इन वॉयस एंड नाउ इट हैज़ बीन कंप्लीटली कवर्ड और उसको हम कंप्लीटली इन वॉयस को राइट ऑफ करने की पोजिशन में आ गए हैं क्योंकि उसका पाँच सौ डॉलर का चेक हमारे पास आ गया हमने इसे चूज कर लिया और सेव एंड क्लोज करते हैं और एक बार सिर्फ चेक करने के लिए जाके देखते हैं कि क्या अब वो इन वॉयस 1133 हमारी लिस्ट ऑफ रिसीवेबल में खड़ी है या नहीं ऑल वी हैव टू डू इज क्रिस बेकर को चूज़ करें और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 1133 वन यहाँ मौजूद नहीं है रीजन बीइंग उसकी पूरी पेमेंट दो चेक्स के जरिए हमारे पास आ गई थी पहले चेक के थ्रू वो अंडर पेड थी इसका मतलब है कंप्लीटली कवर नहीं हुई थी और जैसे ही सब्सिक्वेंटली हमारे पास पूरी पेमेंट आई तो हमने उसको भी राइट ऑफ कर दिया नाउ दैट पर्टिकुलर इन वॉयस हैज़ बीन कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ एंड ऑल पेमेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इन वॉयस हैड बीन रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड तो ये इस पूरी आज की लेक्चर का निचोड़ था कि किस तरीके से हम अंडर पेमेंट को हैंडल करेंगे कहाँ वो रिकॉर्ड होगी कहाँ हमें नज़र आएगी और हम स्क्रीन को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे जैसे कि आपने देखा कि हमने अपनी सारी पेमेंट्स को अपने मुख्तलिफ इन्वाइस के साथ लिंक किया है और इसके लिए वंस अगेन आपकी नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग और आपकी नॉलेज ऑफ आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स और पूरा का पूरा जो आपका क्विक बुक्स है वो सब सामने आ जाती है और आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इन वॉइसों को अगेंस्ट पेमेंट नॉक ऑफ करना है इसके लिए हो सकता है कि आपका अकाउंट डिपार्टमेंट आपकी हेल्प करें लेकिन सिस्टम ओनर आप हैं आपको पता है कि आपका क्विक बुक्स चलता कैसे है और इसमें ये फैसिलिटी कहाँ मौजूद है और आपने ये फैसिलिटी इस्तेमाल करते हुए अपने अकाउंट्स के तमाम रिकॉर्ड को अप टू डेट रखना है और करेक्ट रखना है दैट इज़ ऑल फॉर टुडे थैंक यू